हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ आज़ाद। मैं आसिफ आज आपको बताऊंगा इस फ़ोन के बारे में जिसका नाम है रियलमी नार्जो 20 है। इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मुझे पूरे हो गए 10 दिन और मैं इस फ़ोन का पूरा रिव्यू दूंगा आज और बताऊंगा कि इस फ़ोन की कैमरे की क्वालिटी क्या है, बैटरी बैकअप क्या है और ये फ़ोन हैंग करता है या नहीं करता और इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस क्या है। और इसमें दो दिन से एक प्रॉब्लम आ रहा था, ये फ़ोन ऑटोमेटिक ब्लैक स्क्रीन हो जा रहा था और दो लाइन ऊपर से आ जा रहे थे। तो हम बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास है यह रियलमी नार्जो 20 फ़ोन और मुझे इसको यूज़ करते हुए हो गए पूरे 10 दिन। तो दोस्तों, मैंने इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए बहुत कोशिश की। आपको पता होगा इसका पहला सेल 30 सितंबर को फ़्लिपकार्ट पे था। मैं इसको 30 सितंबर को फ़्लिपकार्ट पर बुक करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। मात्र एक मिनट के अंदर में यह फ़ोन फ़्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर इसका दूसरा सेल 7 सितंबर को था, उस दिन भी मैंने इसको बुक करने की कोशिश की लेकिन ये नहीं हुआ। फाइनली इसको हम 16 अक्टूबर को बुक किए और मेरे पास यह 20 अक्टूबर को डिलीवर हुआ। हम आपको बता दें कि फ़्लिपकार्ट से मैंने इस फ़ोन को मंगवाया था तो इसके बॉक्स के अंदर मुझे मिला था सिर्फ यह फ़ोन और उसके बाद इसका चार्जर और एडाप्टर था, मतलब इसका USB केबल और एडाप्टर था, बाकी और वारंटी कार्ड था। बाकी इसके साथ मुझे ना इसका बैक कवर मिला और ना ही ईयरफोन। ऐसे तो रियलमी के जितने भी फ़ोन से उसमें ईयरफोन नहीं आता लेकिन बैक कवर आता था, लेकिन अब से इसमें बैक कवर भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मैं इस फ़ोन को तकरीबन 10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी बैटरी जो है वो 5000 mAh की है और इसका चार्जर 5 एम्पीयर का है। काफ़ी अच्छा है, इसको एक बार सुबह चार्ज कर देने पर यह आराम से शाम तक चल जाता है। इसमें कॉलिंग, यूट्यूब, ऑफलाइन वीडियोस देखने पर यह बैटरी, इसका बैटरी बैकअप 10 से 12 घंटे तक आराम से चल जाता है। और बात करें गेम की तो जब इसमें हम कोई गेम खेलते हैं तो इसका बैटरी बैकअप 7 से 8 घंटे तक देता है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी फ़ोन गेम खेलने पर 8 से 9 घंटे तक चले तो उसे अच्छा ही माना जाता है। रियलमी के ऐसे जितने भी फ़ोन होते हैं वो बहुत ही अच्छे और हमारे बजट में होते हैं। इस फ़ोन की प्राइस की बात करें तो फ़्लिपकार्ट पे हमें 8499 रुपये मिला और इसमें हमको 3 GB रैम, आपको दिखा दें कि इसमें हमको 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज और कैमरे को दिखा दें तो कैमरा 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल इसका रियर कैमरा है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। और बैटरी जो है इसका वो 5000 mAh की है और इसका जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच, तो काफ़ी अच्छा है यह फ़ोन। 8000 साढ़े 8000 में ये फ़ोन आपको मिल रहा तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं इससे ली हुई कुछ तस्वीरें, हम आपको इसकी इससे ली हुई कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा इसकी कैमरे की क्वालिटी क्या है। तो ये देखिए, इस फ़ोटोज़ को हमने आज ही ली है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका जो कैमरा की क्वालिटी है और इसका जो बजट है उस हिसाब से यह फ़ोटो काफ़ी अच्छा है। और बैटरी एक्सपीरियंस की बात करें तो इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की है और इसको हम आराम से यूज़ करते हैं। अगर वीडियो देखते हैं और नेट चलाते हैं तो आराम से 8 से 9 घंटे तक चल जाता है और गेम खेलें तो 7 से 8 घंटे तक आराम से चलता है। हम आपको दिखा रहे एक गेम जो कि हमने रिकॉर्ड किया है, तो देखिए।
तो दोस्तों आपने देखा इसमें जो हम गेम रिकॉर्ड किए थे वो कितना अच्छा से चल रहा है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो इसमें गेम अच्छा चलता है, मतलब 3 GB रैम है तो अच्छा ही चलेगा। और इसके बजट के हिसाब से इसमें हम तो ज़्यादा गेम नहीं खेले, लेकिन रॉक हीरो वॉइस टाउन जो गेम था उसको हम खेले, वो काफ़ी अच्छा चला। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि इस बजट में आपको ये फ़ोन मिलेगा तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी हीटिंग की, कि ये फ़ोन चलाने पे कितना हीट होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि यह फ़ोन जब हम चलाते हैं तो ये ज़्यादा हीट नहीं होता, मतलब थोड़ा सा हीट होता है, जो कि सब फ़ोन में ऐसा होता है। तो इसकी हीटिंग पावर कोई ख़राब नहीं है, मतलब ज़्यादा हीट नहीं होता, काम चल जाता है। और इस रेंज में यह बढ़िया है, मतलब ज़्यादा हीट नहीं होता और इसको अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसे सब फ़ोनों में होता है। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बताए थे कि पिछले 2 दिनों से हम आपको बताए थे कि इसमें एक प्रॉब्लम आ जा रहा था, कि जैसे हम फ़ोन चला रहे हैं और ऑटोमेटिक इसका स्क्रीन ऑफ हो गया और ये ब्लैंक स्क्रीन हो गया और यहाँ पे साइड में 2 लाइंस आ जा रहे थे और इसको स्टार्ट करने पे स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो हम बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि ये कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम आराम से इजीली ठीक कर सकते हैं। सबसे इसका 2 कारण होता है, एक तो आपके मोबाइल में अपडेट आया हो। अगर आपके फ़ोन में अगर अपडेट आया हो तो उसको जाके पहले अपडेट कर लीजिए। अगर इस फ़ोन देखिए मेरे पे अभी तो अपडेट नहीं आया है, अगर अपडेट आया होता तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो अपडेट करिएगा तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और दूसरा है कि अगर अपडेट करने पर भी ठीक नहीं होता तो आप क्या कीजिए कि अपना ये फ़ोन ऑफ़ करिए इसे, और इसका ये पावर ऑफ बटन और ये वॉल्यूम ऑफ बटन इसको दबा के रखना है। कम से कम 10 से 15 सेकेंड तक इसको दबा के रखिएगा तो आपका जो फ़ोन होगा एक बार रीबूट हो जाएगा, और रीबूट होने के बाद यह प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक यह प्रॉब्लम हुआ था, तो ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और रियलमी के ऐसे फ़ोनों में जैसे रियलमी नार्जो 20 हो गया और रियलमी नार्जो 20, तो इन सब फ़ोनों में जो अभी आए हैं उसमें ये प्रॉब्लम आया था। लेकिन हम जब बात किए कस्टमर केयर से रियलमी के, बताए इसको कि सर आपके ये फ़ोन में जो रियलमी का फ़ोन हम लिए हैं इसमें यह प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले तो हम कोशिश किए कि इसको रिटर्न कर दें, क्योंकि मुझे लगा कि यार थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो अच्छा नहीं है, इसको रिटर्न कर देते हैं, दूसरा ले लेंगे। तो मेन बात यह था कि मेरा जो पॉलिसी था 7 दिन का वो ख़त्म हो चुका था। तो जब हम बात किए तो बोला कि सर आपका जो पॉलिसी था 7 डेज़ का रिटर्न का तो वो तो एक्सपायर कर चुका है, लेकिन यह कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहें तो आपके पास इसका वारंटी कार्ड होगा और आप लोगों के पास भी होगा इसका वारंटी कार्ड, जो 1 साल का वारंटी रहता है इसका। तो वो बोली कि अगर आप चाहते हैं तो बताइए, हम अभी आपको कंप्लेन कर देंगे और वहाँ से टेक्नीशियन जाएगा और आपके फ़ोन को देख लेगा। ठीक है, तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम बताएंगे बाद में। लेकिन मैं जब इसको ऐसे किया तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मैंने फिर उससे बात नहीं की। आपको बता दें कि यह ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ईज़िली इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।